नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपका बालक पढ़ाई में कमज़ोर है? कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड उनका बहुत फास्ट होता है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। कुछ बच्चों का मानसिक और दिमागी विकास मीडियम या कुछ कम होता है। तो दोनों ही कंडीशन में आज की वीडियो आपके लिए है। यदि आपके बालक की एकाग्रता भंग है, वह अपना दिमाग पढ़ाई में ना लगाकर इधर उधर लगाता है, तो आज की वीडियो में आपको मैं कुछ बेहद शानदार उपाय बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन मिलता है, ज्ञान के देवता बृहस्पति हैं। ज्ञान की प्रधानता बृहस्पति के अंदर है। तो आप बृहस्पतिवार के दिन, जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या मेहनत से पढ़ाई नहीं कर पाता, उसके हाथ से कुछ ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को कुछ कॉपी, किताब और पेंसिल, शिक्षा से संबंधित कोई भी सहायता आप उन्हें करें। दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार है। ज्ञान के देवता बृहस्पति, ज्ञानम सद्गुण मात्मजम च सचिवम स्वाचार्य माचार्यकम। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने से, बृहस्पति को मजबूत करने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय होता है, इंटेलिजेंसी बढ़ती है, उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, उसकी मेधा प्रज्ञा का विकास होता है। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, एक ही उपाय आपको बताया है। जो बच्चा बहुत एकाग्रता से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बुद्धि कमज़ोर है दोनों ही कंडीशन में, उसके हाथ से बृहस्पतिवार के दिन ज़रूरतमंद बालकों को शिक्षा से संबंधित कुछ चीज़ें आप गिफ्ट कराएं, उनकी सहायता करें। बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने होंगे। दोस्तों, बुजुर्गों की सेवा करने से, ब्राह्मणों, संतों, तपस्वियों को प्रणाम करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। और जो लोग पुखराज रत्न नहीं पहन सकते, इतना पैसा आपके पास नहीं है, तो वह लोगों को हल्दी की गांठ पीले धागे या पीले कपड़े में बांधकर अपने बालक की भुजा पर या गले में धारण करानी चाहिए। इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। दोस्तों, उपाय को पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, एकाग्रता से, सही टेक्निक से, उसकी वैज्ञानिकता को, साइंस को समझकर किया जाए, तो ज्योतिष के उपाय 100% काम करते हैं। कामना करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।